हेलो, माय नेम इज़ केतन मोरे, स्टडिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर फ्रॉम लक्ष्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सरीगम। ओवर प्रोजेक्ट टाइटल इज एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओवर प्रोजेक्ट मेंबर्स आर गावित भावेश रामचंद्र, केतन मोरे विजय भाई, आदर्श रामजी मिश्रा एंड ओवर प्रोजेक्ट गाइड इज मिस्टर विशाल नायक फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। हमारा ऑब्जेक्टिव पंप के डिफरेंट फेलियर्स मोड के ऊपर है, जैसे कि पंप में दो टाइप्स के फेलियर होते हैं, फर्स्ट हाइड्रोलिक फेलियर एंड सेकंड मैकेनिकल फेलियर। अभी हाइड्रोलिक फेलियर में मेन फेलियर्स जैसे कि फर्स्ट कैविटेशन, फाउलिंग इफेक्ट, प्रेशर पल्सेशन, पंप रिसर्कुलेशन, रेडियल थ्रस्ट, एक्सल थ्रस्ट, सक्शन एंड डिस्चार्ज रिसर्कुलेशन। और सेकंड मैकेनिकल फेलियर जैसे कि एक्सेसिव वाइब्रेशन, बियरिंग फेलियर, सील फेलियर, लुब्रिकेशन, फटिक एक्सेट्रा। इसके बाद पंप के सब डिफरेंट कंपोनेंट्स है, उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट स्ट्रेनर से करते हैं। स्ट्रेनर से वाटर प्योरीफाई होके सक्शन लाइन में जाता है। यहाँ पे फुटवेल लगा हुआ है, ये फुटवेल से वाटर होता है जो लिफ्ट किया वो वापस नीचे नहीं उतरता। इसको फुटवेल को दूसरा नाम भी है नॉन रिटर्न वाल। ये नॉन रिटर्न वाल से लिफ्ट किया वाटर वापस नीचे सम टैंक में नहीं आता। इसके बाद सक्शन पाइप थ्रू वाटर होता है वो वैक्यूम गेज थ्रू केसिंग में जाता है। यहाँ पे सक्शन लाइन में वैक्यूम गेज लगाते हैं ताकि पता चले कि लिफ्ट किया वाटर लिफ्ट होने के लिए कितना वैक्यूम रिक्वायर्ड है और कितना वैक्यूम से वाटर लिफ्ट हो रहा है। ये सक्शन लाइन थ्रू वाटर होता है वो केसिंग में एंटर होता है। ये वॉल्यूट केसिंग दिया हुआ है। इस वॉल्यूट केसिंग में वाटर इस इम्पेलर में स्ट्राइक होता है। ये क्लोज टाइप इम्पेलर है। इस इम्पेलर जब रोटेट होता है तब इसमें केसिंग में सेंट्रिफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। ये सेंट्रिफ्यूगल फोर्स से वाटर लिफ्ट होता है और ऊपर सक्शन लाइन थ्रू ऊपर ओवर टैंक में जाता है। केसिंग से वाटर बाहर निकलने के बाद वो डिलीवरी पाइप में जाता है। डिलीवरी पाइप में सबसे पहले डिलीवरी वेल्व दिया गया है और वहाँ पे एक प्रेशर गेज अटैच रहता है जो कितना प्रेशर है वाटर का वो मेजर करता है और शो करता है। इसके बाद वाटर डिलीवरी पाइप थ्रू ओवर टैंक में जाता है। अभी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं इस एनिमेशन वीडियो के थ्रू। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो कि इम्पेलर के घूमने से सेंट्रिफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रहा है जिससे कि वाटर लिफ्ट होके सक्शन लाइन थ्रू इम्पेलर में एंटर हो रहा है। यहाँ पे कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो दिखा रहा है डायल गेज में। सबसे पहले वाटर केसिंग में इम्पेलर के आई के साथ स्ट्राइक होता है। इम्पेलर का आई मतलब कि इम्पेलर के सेंटर में आप देख रहे हैं। जब वाटर केसिंग में स्ट्राइक होता है, केसिंग थ्रू अंदर आता है, तभी वो इम्पेलर के साथ स्ट्राइक होके यहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख रहे हैं केसिंग का, वो कम से ज़्यादा हो रहा है जिससे कि प्रेशर और अंदर और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। इस पोर्शन पे वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके ऊपर जाती है, ऊपर लिफ्ट होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डिलीवरी हेड है। यहाँ पे प्रेशर गेज लगा हुआ है जिससे कि कितना प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो दिखा रहा है।
यहाँ पे डिलीवरी वेल्व लगा हुआ है जिसको ओपन करने से वाटर रहते है वो ऊपर लिफ्ट होके डिलीवरी टैंक में चला जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं सम टैंक का जो लेवल है और ऊपर डिलीवरी टैंक का जो लेवल है, इस डिफरेंस को हेड बोलते हैं। यहाँ से स्टेनर से लेके वैक्यूम गेज तक के इस हाइट को सक्शन हेड बोलते हैं और ऊपर डिलीवरी लाइन में केसिंग से ओवरहेड टैंक तक के डिफरेंस को डिलीवरी हेड बोलते हैं। और ये जो ऊपर का आप डॉटेड लाइन देख रहे हो डिस्चार्ज लेवल है। सेंट्रल पंप के एक्सपेरिमेंट में ये तीन तीन मेन पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि सक्शन हेड है, डिलीवरी हेड है अपना, डिस्चार्ज लेवल और डिस्चार्ज क्यू, वैक्यूम वैक्यूम प्रेश वैक्यूम गेज और प्रेशर गेज। ऐसे पैरामीटर के थ्रू पंप की एफिशिएंसी और उसके डिस्चार्ज को मेजर किया जाता है। टोटल हेड से 60.40 मीटर। अहीं आपणे वाई एक्सिस पर जोईए तो टोटल हेड आप्यो छे, जयरे एक्स एक्सिस पर जोईए તો ડિસ્ચાર્જ જોવા મળે છે। એ જ રીતે આપણે ઇલાસ્ટોમરને જોઈએ, આપણે ઇલાસ્ટોમરનો ડિસ્ચાર્જ આપણને મળે છે 0.00109 સેકન્ડ, જ્યારે તેનો ટોટલ ડિસ્ચાર્જ છે 90.26 મીટર। અહીં જોઈ શકીએ છીએ આપણે વાય એક્સિસ પર 90.26 મીટર, જ્યારે ફ્લોર એટ જોઈએ તો આપણને મળે છે 0.00109 સેકન્ડ। એ પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો આપણને અહીં મિકેનિકલ સીલનો ડિસ્ચાર્જ મળે છે 0.00102 સેકન્ડ, જ્યારે એનો આઉટપુટ પાવર મળે છે 0.2046 કિલોવોટ। જ્યારે આપણે ઇલાસ્ટોમરમાં જોઈએ તો અહીં આપણને ડિસ્ચાર્જ મળે છે 0.00109 સેકન્ડ, જ્યારે આઉટપુટ પાવર મળે છે આપણને 0.2016 કિલો, જે આપણને ડિસ્ચાર્જ અહીં એક્સ એક્સિસ પર આપ્યો છે તથા વાય એક્સિસ પર આપણને આઉટપુટ પાવર આપ્યો છે, જે આપણે અહીં ગ્રાફમાં જોઈ શકીએ છીએ। અહીંયા જોઈએ તો મિકેનિકલ સીલમાં આપણને ડિસ્ચાર્જ મળે છે 0.00102 સેકન્ડ, ત્યારે આપણને ઓવરઓલ એફિશિયન્સી મળે છે પંપની 43.90%, જે અહીં આપણે વાય એક્સિસ પર એફિશિયન્સી દર્શાવી છે તથા એક્સ એક્સિસ પર આપણે ફ્લોરેટ દર્શાવીએ છીએ, જે આપણે ગ્રાફમાં જોઈ શકીએ છીએ કે 0 થી લઈને આપણે 43.90 સુધી પર્સન્ટેજ સુધી આપણે જાય છીએ। જ્યારે આપણે ઇલાસ્ટોમરનો જોઈએ તો ઇલાસ્ટોમરમાં આપણને ડિસ્ચાર્જ મળે છે 0.00109 સેકન્ડ, જ્યારે ઓવરઓલ એફિશિયન્સી એની જોઈએ તો 48.58%। અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ વાય એક્સિસ પર 48.58%। એ પછી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બંને વચ્ચે ડિફરન્સ ખાસો જોવા મળે છે, જ્યારે આપણે મિકેનિકલ કરતાં ઇલાસ્ટોમરની એફિશિયન્સી સારી જોવા મળે છે। હેલો સર, માય નેમ ઇઝ આદર્શ મિશ્ર એન્ડ વી આર હિયર રિપ્રેઝેન્ટ ઓફ ફાઇનલ યર પ્રોજેક્ટ। જૈસે કે ચેતન મોરેને બતા દિયા ઇન્ટ્રોડક્શન એન્ડ ઓલ અબાઉટ કે પ્રોજેક્ટ્સ મેં ક્યા ક્યા વર્ક કિસ મિશ્ર और भावेश ने बता दिया पूरा उसका प्रैक्टिकल हमने जो जो किया, बट बात आती थोड़ा कुछ कुछ बातें हैं जो जैसे कि ब्लैंक पैकिंग और इलास्टोमर बोलते हैं,
इलास्टोमर सर इज लाइक बैंडेड रोड, जिसे सबको पता ही है, बट इलास्टोमर से दो मटेरियल, एक एनबीआर एंड एनबीआर मीन्स नेटरल ब्यूटेंट रबर एंड सेकेंड वन इज एनएचबीआर विच इज हाइड्रोजेनेटेड नेटरल ब्यूटेनाइट रबर. सेकेंड वन इज अगर हम इसको यूज करते हैं तो इसका जो हमारा इलास्टोमर है उसका मटेरियल और बैलेंस ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और उसकी जो एफिशिएंसी सर और बढ़ सकती है. एसबीआर यूज में इलास्टोमर और वो इलास्टोमर हमारा जो है नाइट्रेट रबर का है विच इज कम्पोज ऑफ एसिटोनाइट्राइड पॉलीमर्स एंड ब्यूटाडाइन. बात आती है उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की. द एडवांटेजेस ऑफ द फ्लोरल इलास्टोमर्स, मटेरियल कैन बी इजी अवेलेबल इन द मार्केट. एज वी नो सर कि एज अ थ्रेड टाइप है, रोप टाइप है, तो हर हार्डवेयर पे यह इजिली अवेलेबल होता है एट द चीप रेट और उसका ज़्यादा कुछ कॉस्टली भी नहीं होता है. एंड मैकेनिकल स्लिंग्स क्या इसके मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा नहीं और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है क्योंकि इनमें पहले से ऑयल यूज़ की रहती है कि बिकॉज इट इज एक ग्रीस टाइप का ट्रेड, उसमें मीन्स ग्रीस और ऑयल पहले से मिला होता है, सो इसको ऑयली और ग्रेस की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है. एंड बात आती है फिर की डिसएडवांटेजेस की. जैसे कि सबका एडवांटेज जिसके लिए डिसएडवांटेजेस है, इसमें क्या होता है कि पुअर केमिकल होता है. पुअर केमिकल मीन जैसे कि सर उसका रोप बनाया जाता है उसको जो उसका इलास्टोमर वो अगर हम यूज करते हैं तो भारी टाइप का होता है, कुछ मोटे टाइप में उसको जैसे यूज करते हैं कभी कभी ज्यादा होता है भार थोड़ा अलग अलग हो जाता है, उसकी वजह से उसको जो बॉन्डिंग होती है बराबर नहीं होती परफेक्ट. फिर लो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है एंड थर्मल स्टेबिलिटी उसकी बहुत कमी होती है अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकल सील. As we know that elastomers can be not used at the high efficient pumps because pumps तो कुछ होते हैं जो एकदम high level पर करना पड़ता है बट और वहाँ पे हमें mechanical seal use करना पड़ेगा because but elastomers क्या है at a low level जैसे कि हमारे domestic levels जो है लेकिन और experimental levels उनका use करने के लिए benefit है क्योंकि उनमें ज़्यादा खर्चा नहीं होते हैं और experimental ज़्यादा ही लगता पड़ता है but mechanical seal पे हमें इतने लेवल पे ज़्यादा खर्चा की जरूरत नहीं पड़ती, सो इसलिए हम अपना इलास्टोमर को यूज कर सकते हैं ऑन द फ्यूचर वर्क्स. ऐसे तो बहुत सारे फ्यूचर वर्क्स हम सजेस्ट कर सकते हैं बट यहाँ पर मैं कुछ ही बताऊंगा. सबसे फर्स्ट है फाइंड द सुटेबल मटेरियल फॉर द ग्लैंड टाइपिंग ताकि जो अभी फिलहाल में हम यूज कर सकते हैं उससे अच्छा और बेटर करने के लिए उसकी और मटेरियल कोई दूसरा यूज कर करके ताकि हम उसकी और एफिशिएंसी ला सकें. सेकेंड है कि उसको जो सी के मटेरियल है उसको कुछ कोई अगर नया सजेस्ट करे ताकि उसको मटेरियल चेंज करके उसका रनर का जो प्रॉब्लम है वो ताकि दूर हो सके थोड़ा टाइम तक और उसकी जो लाइफ साइकिल है थोड़ा और ज़्यादा चल सके. इज द ऑल अबाउट आवर प्रोजेक्ट्स. थैंक यू.